Good morning students. Today in your math class we do exercise 3.3 questions 6 to 10. क्वेश्चन 6 से 10 तक आज हम आपके 6 एक्सरसाइज 3.2 से करेंगे. इसके लिए 3.2 के पहले जो 5 क्वेश्चंस है वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं. आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. इंडियन रेलवेज हैज़ रेलवे ट्रैक्स ऑफ लेंथ 59,685 किलोमीटर. रेलवे इंडियन रेलवे जो है, भारतीय रेलवे जो है, उसके पास रेलवे ट्रैक है. यानी रेलवे ट्रैक यानी जो रेल चलती है, रेल के चलने के लिए जो ट्रैक है, रास्ता है, वो कितना लंबा है? 59,685 किलोमीटर लंबा वो रेलवे ट्रैक है. द नेशनल हाईवे हैज़ रोड्स ऑफ लेंथ 24,493 किलोमीटर. नेशनल हाईवेज जो हैं और हाईवे रोड्स जो बने हैं, नेशनल हाईवे रोड्स जो बने हैं, उनकी लेंथ है 24,493 किलोमीटर. फाइंड देयर डिफरेंस, इनका अंतर फाइंड करो, इनका अंतर निकालिए. तो इन दोनों का अंतर निकालना है, किस किस का? रेलवे ट्रैक की लेंथ का और नेशनल हाईवे रोड्स जो है इनकी लेंथ का. तो इसके लिए क्या करोगे, आप कॉपी लोगे अपनी, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे उतारा, फिर आपने सॉल्यूशन में क्या करना है, लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज रेलवे ट्रैक्स, इंडियन रेलवेज के रेलवे ट्रैक की लेंथ क्या है? 59,685 किलोमीटर. फिर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज रोड, नेशनल हाईवे रोड्स जो हैं उनकी लेंथ क्या है? 24,493 किलोमीटर. ये उनकी लेंथ है रोड्स की, ये यानी कि रेलवे ट्रैक की लेंथ, ये रोड की लेंथ. अब डिफरेंस, डिफरेंस क्या करना होगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा. रेलवे जो वाला ट्रैक, रेलवे ट्रैक वाले में से रोड की जो है लेंथ कम है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. 59,685 किलोमीटर माइनस 24,493 किलोमीटर, माइनस जब कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 35,192 किलोमीटर इनका डिफरेंस है, इनका अंतर है. ये था क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 7. मदर डेयरी प्रोड्यूस्ड 1,65,435 पाउचेस ऑफ मिल्क इन वन डे. मदर डेयरी जो है यानी दूध की फैक्ट्री है, जो ये दूध बनाती है, इसमें जो है एक दिन में कितने पाउचेस, कितने पैकेट दूध बनता है? 1,65,435 पाउचेस. इट सप्लाइड 75,735 पाउचेस ऑफ मिल्क इन ए डे टू वेरियस डिपो. अलग अलग डिपो में, अलग अलग दूध के डिपो में ये जो है 75,735 पाउचेज जो है दूध के वो सप्लाई कर देते हैं. आगे, हाउ मैनी पाउचेज ऑफ मिल्क वर लेफ्ट बिहाइंड. पीछे कितने दूध के पाउचेज बच गए, यानी दूध के कितने पैकेट बच गए जो प्रोड्यूस हुए लेकिन सप्लाई नहीं हुए. तो इसके लिए क्या करोगे, आप कॉपी देखो, क्वेश्चन 7 स्टेटमेंट उतारो, फिर सॉल्यूशन. मदर डेयरी प्रोड्यूस्ड मिल्क इन वन डे. एक दिन में कितना मिल्क प्रोड्यूस करती है वो? 1,65,435 पाउचेस. इट सप्लाइड मिल्क इन ए डे टू वेरियस डिपो. एक दिन में वो दूध सप्लाई करती है अलग अलग डिपो में कितना? 75,735 पाउचेस. अब पाउचेस ऑफ मिल्क वर लेफ्ट बिहाइंड, दूध के वो पैकेट जो पीछे बच गए, तो वो क्या आएगा? 1,65,435 में से हम 75,735 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आंसर क्या आएगा हमारा? 89,700 पाउचेस. कितने पाउचेस बच गए?
89,700 पाउचेस जो हैं पीछे बच गई। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर। डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच में, 5-डिजिट के लार्जेस्ट नंबर और 5-डिजिट के ही स्मॉलेस्ट नंबर के बीच आपको डिफरेंस निकालना है। तो मैंने आपको बताया था बेटा 5-डिजिट का जब आप लार्जेस्ट नंबर लिखते हो तो 5, जैसे कि आपको 4-डिजिट का बोला हो तो आप 4 बार 9 को रिपीट कर दो, 5-डिजिट का बोला हो तो 5 बार 9 को रिपीट कर दो। एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे आपको मान लो 3-डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया इन्होंने, तो क्या करोगे, 1 और उसके बाद 20, 3-डिजिट का तो 20, अगर 4-डिजिट का दे दिया तो 1 उसके बाद 30। ये इस तरीके से हमारा आपको करने होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने होते हैं। अब हमारा सम क्या है, 5-डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में से हमें स्मॉलेस्ट 5-डिजिट का नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट सॉल्यूशन। लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर, 5-डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 99,999। स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर, 5-डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10,000। क्या होगा, 10,000। डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होगा इनका, 89,999। अंतर क्या होगा, 89,999 इनका डिफरेंस होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मस्ट बी एडिड टू 45,009 टू गेट 677,777। हमें इसमें 45,009 में क्या ऐड करना होगा ताकि हमें क्या प्राप्त हो सके, 677,777 मिल सके, प्राप्त हो सके। इसके लिए क्या करेंगे, जो ये हमें दिया है कि हम ये प्राप्त हो सके, उसमें से जो हमने हमारे पास ऑलरेडी है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 677,777 में से 45,009 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 632,768 हम इसमें ऐड करेंगे, किसमें, 45,009 में, तब जाकर हमें ये वाला आंसर मिलेगा। अब एक लाइन आपको ऐड करनी, इसमें क्या लिखोगे, वी एडिड 632,768 इन 45,009 टू गेट 677,777। यानी कि हमें अगर 677,777 चाहिए तो हम 45,009 में 632,768 ऐड करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22,345, टू नंबर्स का सम है यानी कि दो नंबर हैं उनका एडिशन है, उनका जोड़ जो है क्या है, 22,345 है। एंड वन ऑफ द नंबर इज, जिनमें से एक नंबर क्या है, 9,009। वन नंबर क्या है जिनमें से, 9,009। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, तो अगला नंबर या फिर दूसरा नंबर क्या है। तो देखो दो सम आपको, दो नंबर का सम आपको दिया है, मान लो आपके पास दे दिया कि आपके पास दो नंबर का सम है आपको, यानी दो नंबरों का योग है 16 और जिनमें से एक नंबर है 5, तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज़ है, जो दोनों नंबर का योग है उसमें से एक नंबर जो गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दूसरा नंबर पता चल जाएगा। तो 16-5 क्या आ जाएगा आपका, 11। तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका, 11। तो इस तरीके से इस सम में है आपका सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स का सम क्या है, 22,345। वन नंबर इज, वन नंबर इन्होंने दिया है वो क्या है, 9,009। द नेक्स्ट नंबर इज, और नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा,
13,336, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया 13,336। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है, जिसको आपको अच्छे से समझ के नीट क्लीन एंड केयरफुली अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।